नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के रूप में जो है मनाते हैं। 2021 का ये 2 अक्टूबर हम गांधी जी के 152वीं और लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती के रूप में जो मना रहे हैं, जहां पर स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के द्वारा दिए गए योगदान के कारण से उन्हें याद किया जाता है। वहीं पर देश के जो है राजनीतिक नेतृत्व, रक्षा के क्षेत्र में तथा देश में कृषि के विकास में दिए गए योगदान के लिए लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग जो है जानते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत में इन दोनों ही जो है महापुरुषों का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके कारण से हम इनके जयंती को मनाते हैं। स्वतंत्रता की जो है बात, जिस तरीके से देश की जो है परिस्थितियां देश के सामने विद्यमान थी, इन लोगों के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सूत्र और दिए गए महत्वपूर्ण दर्शन के आधार पर भारत एकजुटता के सूत्र में बंध करके आगे की तरफ जो है बढ़ रहा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और महात्मा की जो है उपाधि दी गई थी। महात्मा की उपाधि इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। महात्मा उस व्यक्ति को कहा जाता है यानी जिसकी आत्मा जो है महान। इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के द्वारा देश की जो है समस्याओं को कहीं ना कहीं समझा जाता है, देश की समस्याओं को जो है समझने की क्षमता होती है। तो ऐसी स्थिति में देश की समस्याओं को समझना, देश का भ्रमण करना, देश के लोगों की समस्याओं से परिचित होना, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के कारण से ही उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। वहीं पर राष्ट्रपिता की जो उपाधि है, वह राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता यहाँ पर हम जैविक रूप में राष्ट्रपिता की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्रपिता से है जिन्होंने देश की समस्याओं को समझा, उससे निपटने के लिए और देश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है एक पहल की गई। तो इस संरक्षण के कारण से उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिसके लिए जो है महात्मा गांधी को याद किया जाता है, वो 2 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनका लक्ष्य और दूसरा मार्ग या साधन, ये 2 महत्वपूर्ण जो है चीजें हैं जिसके कारण से उनको याद किया जाता है। लक्ष्य का तात्पर्य यहां पर क्या हुआ, इन्होंने देश के नागरिकों की समक्ष समस्याओं को जो है दूर करने का अपना लक्ष्य बनाया, चाहे वो विभिन्न प्रकार के चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन हो, जिसके माध्यम से लोगों के समस्याओं को दूर करने और बेहतरी को प्राप्त करने का लक्ष्य व्यक्त किया गया, या देश की जो है स्वतंत्रता को जो है प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, तो यह इनके सामने एक जो लक्ष्य था। दूसरा इनका साधन जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके साधन के लिए जाने जाते थे, कि इन्होंने अपने जीवन में साधन के रूप में धैर्य साहस और सहनशीलता को जो है अपनाया, धैर्य साहस और सहनशीलता, ये 3 महत्वपूर्ण जो है इनके आधार स्तंभ थे, जिस पर चल करके जो है इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो प्रयास किया। और इसमें ये हमेशा से अहिंसा का, मार काट का जो है विरोध करते रहे, और यह एक ऐसी रणनीति थी जिसके आधार पर धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजों के मन में यह भाव पैदा करने में जो है सफल रहे कि कहीं ना कहीं यह एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सामने वाले की न केवल मन को बदल सकते हैं, बल्कि इसके आधार पर देश की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके आधार पर आते हैं यहाँ पर प्रतियोगी छात्र के लिए, कि अगर कोई प्रतियोगिता जगत में है, कोई अगर पढ़ाई के फील्ड में है, प्रतियोगिता के माध्यम से कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो यहाँ पर भी उसके सामने लक्ष्य और जो है साधन, इन दोनों ही चीजों की बहुत बड़ी जो है समस्या होती है। और इसी को समझने का जो एक मर्म होता है, अगर इस मर्म को व्यक्ति समझ जाता है तो निश्चित तौर पर उसके लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग बहुत आसान हो जाता है। लक्ष्य के तात्पर्य यहाँ पर उसका जो है लक्ष्य यही है कि वो अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जिस लक्ष्य का निर्धारण किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करे। अब उसके लिए उसके पास साधन के रूप में उसके पास पाठ्यक्रम होता है, स्टडी मटेरियल होता है, मेहनत होता है, जिसके द्वारा उसे प्राप्त करना होता है। और आज के समय में विभिन्न प्रतियोगियों के द्वारा इस तरीके की जो है बातें कही जाती हैं कि उनमें सफल होने की दर या उनके सफलता का जो समय है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, धैर्य की कमी है, जल्दबाजी है। तो यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी की तरह से जिस तरीके से रणनीति उन्होंने अपने जीवन में अपनाया कि वो धीरे धीरे चल रहे थे,
अच्छे साधन के माध्यम से चल रहे थे, अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, उन्होंने धैर्य साहस और सहनशीलता को अपनाया। यही मार्ग इन प्रतियोगियों को भी अपनाना है और हर दिन अपना मूल्यांकन करना है कि हम अपने स्थिति में कुछ बेहतर स्थान पर पहुंच रहे हैं। हर अगले दिन उनका जो उनकी जो समझ है, उनके जो स्तर है, वो कल की अपेक्षा से जो बेहतर होते जा रहे हैं। इन्हीं विश्वास के साथ वो अपनी तैयारी करते जाएं। महात्मा गांधी जी के इस गांधीयन जो थॉट था, आइडियोलॉजी था, वो कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण हो सकता है, उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। और प्रयास इतनी जो है शांति के साथ होना चाहिए कि सफलता आवाज करने लगे और लोगों के लिए जो है अपना पहचान बना सके। तो उम्मीद करता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के जो विचारों से जो है प्रेरित होकर के उसे एक पॉजिटिवली अपने जो है प्रिपरेशन में यूज करेंगे और इसके माध्यम से वो लक्ष्य को सफल प्राप्त करने में जो सफल होंगे। तो आज के लिए जो है इन दोनों महापुरुषों को याद करते हुए हम आप लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ईमानदारी से, मेहनत से, अच्छे साधनों के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। पुनः अगले लेक्चर में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।